मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन कर्मोस्त मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्व कल्याण कारकम प्रदानम सर्व धर्मानां जैनम जयतु शासनम राजा का मालिक
जैसे कमल कीचड़ में बने रहता हो, पर कीचड़ कमल में नहीं रहती है। दिखने में कमल कीचड़ में है, कमल जल में है, पर तू निकट जाकर देखने पर उससे अलग है। पद के समान, कमल के समान राजा पद्मोत्तर उस ग्रंथ अवस्था में अलिप्त रहते पूर्व की विदेह नगरी रत्नपुरी में के महाराजा थे। हम उनको रत्नपुरी के महाराजा कह रहे थे और वे अपने को जीव राजा हुए देख रहे थे। जिनराज की जिनके चित्त में भक्ति थी और जीव राज की जिनको मंगलकारी महिमा प्रदर्शनपति थी, उस नगरी के मनोहर गांव के दूसरे दिशंकर भगवान युग वंदन का समवकरण आया। भगवानी के समवकरण अर्थात आत्मा के लिए आत्माई शरण है ये दिखाने वाला समवकरण है। भव्य आत्मा के लिए निरंत आत्मा ही शरण है, ऐसा जो दिखाए वो भगवान का समव करे। प्रभु की मंगल देखना सुनी और सुनने के बाद में असार संसार असार लगने लगा और सार भूत समय सार सार लगने लगा और निर्गंत पद को अपना उससे आगे की वाचना पुनः लेते हैं द्वितीय भाग के अंतर्गत। होती थी निर्गंत इच्छा को अंगीकार किया राजा पद्मरत्नी पद्मरत्न महाराजा ने और मुनि अवस्थाओं ने क्या किया करके कैसे दीक्षा ली थी पुनः छंद को वाचते हैं। वेदांत वाक्य संग्रह है पेज नंबर 108। करके क्षमा लंचन कर रहे हैं मानो ऐसे लगते थे मानो काले काले कर्मी उपाल कर देख रहे हैं। ज्योति थी दिगंबर अवस्था को धारण कर लिया था बोलो पद्म महामुनि भगवान की क्रिया निष्क्रिय आप थे रहे थे गायक
की बाहर के ऊपर समय की पंचिंती है पालन पर आप अपने को निष्क्रिय परमात्मा योग ज्ञानी की अयोग क्रिया होती नहीं है और योग की क्रिया से भी भेद विज्ञान ये बिना रहता है। देखो उल्टा सीधा खान पान होगा नहीं और योग से खान पान होगा तो वो भी भेद विज्ञान करेंगे। इस समय पुद्गल के खेल में न आई परमात्मा की अयोग क्रिया कैसे हो सकती है, क्योंकि योग क्रिया के बिना तो संगत की पात्रता भी नहीं। विचार दूर करने के पहले सत्ता रूप में आया है कि आदत छोड़ो, क्रिया सुधारो और ज्ञान अपनाओ। आदत छोड़ा नहीं, क्रिया सुधारे नहीं, ज्ञान अभ्यास करे नहीं तो कल्याण कैसे होगा महाराज? ज्ञान अभ्यास कैसे करें तो भागवत का जी में कहते हैं कुसंग को छोड़ो। जयकुमार बेटा सत्संग में रहो और ज्ञान अभ्यास करो। कुसंग को छोड़ करके सत्संग में रह करके ज्ञान अभ्यास करना, कुसंग में ही ज्ञान अभ्यास करेगा तो ऐसा है कि जो पानी अग्नि पर चढ़ा हुआ है और ऊपर दावा करेगा नीचे नीचे उतारा और हवा किया तो पानी ठंडा हो गया, पर इसने सोचा ऐसे हवा करने से पानी ठंडा हो जाएगा तो अग्नि से तो उतारा नहीं। ऐसे तो कुसंग में तेरा चढ़ा हुआ है और तू ज्ञान में हूं, ज्ञाता हूं, आत्मा हूं। अरे भैया तो ऐसा है जैसे अग्नि को पानी चढ़ा है और हवा भरे। निराज पद्मोत्तर कथा का बन गया अभी भगवान का पद्मोत्तर योग किया लेकिन निष्क्रिय है और दिन से आनंद है गियो से अति निरपेक्ष ज्ञायकिन आपे अनुभव से गियो से अति निरपेक्ष भगवान आत्मा जी गियो से न्यारा है से अति निरपेक्ष अप्रभावित ज्ञाय के आते अनुभव के मैं तो ज्ञाता हूं ज्ञाता हूं ज्ञाता हूं ज्ञाता हूं ज्ञाता हूं पूरा जो भी उदय भावे मैं तो ज्ञाता मंगलकारी अनुभव प्रमाण मुनिराज पद्मोत्तर का चर्चा आनंद आनंद में झूलते समता में चरते मुनियों का मतलब क्या आनंद का झूला कल बन गए तो अजीतो गुरु झूले परमानंद का झूला देखो मोनी झूले परमानंद का झूला सोते हो गए मई सोते हो गए मई
जैसे भगवान के आने के पहले गंदगी साफ हो गई और अपनों की वर्तमान हो रही थी, ऐसे जाओ परमात्मा हृदय में आएंगे तो राग देश मोह की गंदगी साफ हो जाएगी और सर्व दर्शन ज्ञान चरण की रत्नों की बरसाते होंगी और हमारी नगरी चंपा पर बन जाएगी हृदय की नगरी। तो परमात्मा यहाँ अवतार होंगे और यहाँ जब अपनी प्रगति ही कल्याण रूप हो जाए तो धर्म कल्याण आगे लेते हैं। चंपानगरी वसुको जिन पर रानी जयावती वहां के महाराज थे वसु क्या बाजपुरी तो भगवान का नाम और वसु पूज्य उनकी पिता है। वसु पूज्य से वासु पूज या इंद्राद के द्वारा पूजित होने से वासु ऐसे ऐसे नाम। चंपा नगरी वस्तु जनप रानी जयावती माता धन्य माता धन्य माता क्या नाम था जयावती पिता बोलो वस्तुपुर नगरी चंपा नगरी अद्भुत तो बाहुई रत्नों की धरा बरसती धारा रत्नों की हो क्या हो रहा है क्या हो रहा है क्या हो रहा है कोई तंत्र ना रहे। भगवान के आने के पहले नगरी के बाकी की दर्दता न जाती है तो भगवान जब यहाँ लेंगे अवतार तो हमारी दरिद्रता क्यों नहीं नसेगी। दरिद्र क्या होता है कि जो हम देखो आत्मा के अतिरिक्त अन्य रूपन हो गए वो दरिद्र है। जिसके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं है वो दरिद्र है। संपन्न वो है जिसके हृदय में भगवान की भक्ति है वेद विज्ञान है सत्ता भाव है संपन्न धर्म रहित जी विभिन्न है दरिद्र है और धर्म सहित विभिन्न भी दरिद्र है ऐसा संपन्न दरिद्र वो है जिसके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं है वेद विज्ञान है वो दरिद्र है। रत्नों की वर्षा बहुत रही प्रभु अद्भुत शोभा रत्नों की धरा और फिर फागुन कृष्णा चतुर्थी का दिन आ गया कौन सा आज का दिन आलाकारी भगवान के जन्म कल्याण महोत्सव की। भाई हमारी कथाओं में खासा में लोग ही ना सब जयकारा भी लगानी पड़ेंगे। हाँ वही पहुंचना पड़ेगा यार थोड़ी तो बैठे बैठे सोते रहो आराम से सोने होने का काम नहीं होता कथाओं में क्लास कर लेते तो हमको वही पहुंचना पड़ता है जय कुमार भाई भगवान आ रहे हैं तो जयकार नहीं लगा जन्म कल्याण का है जन्मे महोत्सव वसु पूज का मंगलकारी आनंदकारी जन्मे महोत्सव वसु पूज का मंगलकारी आनंदकारी अंत में जन्मे हुआ प्रभु का अंत में जन्मे गलिकारी आनंदकारी जन्म महोत्सव सासु पूज का गलिकारी आनंदकारी फागुन कृष्ण चतुर्दशी आई फागुन जन्म मरण देव
निकल देखो। हाँ 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 वाला आएगी तुम्हारे भाग्य से, अपने सबके भाग्य से, सौभाग्य से। हाँ लगा मेरा आसन क्यों हिल रहा है, क्या हो गया है, क्या बात है? बढ़िया लगाया भगवान वासु पूज का जन्म हुआ है और बोला वासु पूज भगवान इंद्र के प्रभु जन्म के समय इंद्र के आसन कंपाए को तो नरक में भी आनंद नरक में भी शांति शांति मार का आनंद हो गई। इसलिए जन्म कल्याण कैसा होता है जिसमें चार गति के जीव शामिल हो जाते हैं, नरक के जीव के शामिल होते शांति कहां से कहां से कहां सभी अवधि ज्ञान लगा तुमके पास भी अवधि ज्ञान अवधि ज्ञान लगाया तब ओ शिवशंकर परमात्मा का और वे उस काल में बहुत से जीव जन्म मरण से रहे आत्मा देखकर सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर लेते हैं तो वे भगवान के कल्याण में शामिल हो गए। हम आपसे कहते हैं कि जिसको जन्म कल्याण का देखकर उत्साह नहीं आया वो तो नारकी से भी गया होगा, क्योंकि ये तो उत्साह है तो लाभ में तो शामिल होते हैं लाभ से क्या लिखते हैं आलाधिकारी अद्भुत उत्सव इंद्र ने किया। नगरी चंपापुर की प्रदक्षिणा लगाई, इंद्राय माता की प्रसूति से प्रभु को ले गए और बड़े उल्लास पूर्वक समीर की ओर चल दिया था। इंद्राण गेरो कर पांडव के शिला पर कर पांडव के शिला पर स्थान बन गया। क्या छूट गया था निरुक्त कर पर पांडव शिला उस पर प्रभु का 1008 कल सोते कटोतर कलता प्रभु जी के तेरे ज्योति काल का समय है समझे 1008 कल समय रहते हैं ना से अटोतर कलता प्रभु जी के तेरे इंद्राणी शोभा के लिए जो भूषण पहनाए उसके बाद आभूषण पहना। ज्ञानी कहते हैं आचार्य भगवान कहते हैं कि आभूषण से भगवान को शोभित नहीं हुए कुमार भाई का वे आभूषण भगवान से शोभित हो गए, आभूषणों की सुंदरता भगवान से। तो आभूषण पहनाए वे आभूषण से भगवान सुशोभित नहीं हुए, अपितु भगवान से वे आभूषण खुश कराए। ऐसी भैया वहां सुंदर हो जाती है जो भगवान को देखती है, वो कान सुंदर हो जाते जो भगवान की वाणी सुनते हैं, तो यहाँ सुंदर हो जाते जो भगवान के चरण स्पर्श करते हैं, दान परोपकार अधिकारी करते हैं, जिन पूजा अधिकारी करते हैं। शोभा आभूषणों की शोभा बढ़ गई किनसे
कीमत लगाई उनकी आभूषणों की, समझे आया कि नहीं आया, और सिला की कीमत लगाई जब मुनि महाराज बैठ गए, राज विराजमान हो गए उस सिला कर, उस सिला कीमती हो गई, उस सिला के अक्षरण चुए जा रहे हैं, उसको चू रहे हैं, जाओ लो जाओ, वर्ष होगा तब भी सिला पवित्र हो गई, एक बार जब पातर पर भगवान मुनिराज बैठे तो वे पवित्र हो गए, तो वे मुनि भगवान हमारे हृदय में होंगे तो हम क्यों पवित्र नहीं होंगे, जब जब आभूषण जब आभूषण से भगवान का सानिध्य किया तो वे सुंदर हो गए जय कुमार भाई साहब, और जब हम भगवान के निकट होंगे तो हम क्यों सुंदर नहीं होंगे, आभूषण सुंदर होते वो बेला सुंदर हो जाती है, उस समय सुंदर हो जाता है जो भगवान में लग जाता है, भगवान की भक्ति में लग जाए विधु ज्ञान में लग जाए उस समय सुंदर हो जाएगा, प्रभु की सोबत सोबित भूषण मुस्कुराए, भगवान की सोबत से भूषण भी कैसे हो गए मुस्कुरा रहे मतलब सुंदर हो गए, करते ते सुरगण नेत में भी भक्ति चेत धरु, जय बोलो जय वंतो बाग पूज प्रभु वर अनुतरण करू, विरक्त जन निज का अनुभव, सुरगणों ने नृत्य किया तांडव नृत्य किया इंद्रणी, और प्रभु को माता को सौंप गए, और फिर क्या होता है, देवगण तो कह रहे अब स्वर्ग जाना क्या, चंपा को रही स्वर्ग है, अब भगवान को छोड़ के कहाँ जाना, तो वे छोटे से बालक बन के भगवान के संग ही खेलने लगे, वही चंपा को अलग से मित्र नहीं होते, वही मित्र होते हैं, ब्रंदिंगत मोय ताता सबको प्रभु शरीर दी, अरे अपने को आप अनुभव से लेकिन शरीर, अपने को आप अनुभव से लेकिन शरीर, सबको तो शरीर भी अच्छा लगता था लेकिन कौन को शरीर अच्छा नहीं लगा, तो कौन को वास्तु पूज्य भगवान, तो प्राण की बात है भगवान की है बादमा की बात, वे अपने को हम उनके शरीर को निहारते थे और वे शरीर ही को निहारते, भगवान आत्मा आनंद कंद चिदानंद मय परमेश्वर उस परमेश्वर को भी भगवान कुछ चरण काम भी दे थे अठारह लाख वस्तु भी, कितने वर्ष जब युवा अवस्था को प्राप्त हुई तब माता दयावती पिता पशु पूज उनके अंदर में भाव आए के पुत्र तू बहुत पैसा विवाह करे की माता विपरीत बार जिसके अंत में आए अति दुखों में अति क्लेश में उसका नाम विवाह विपरीत होगी अंत में आए निकलेगी अति दुख में क्लेश में उनका नाम हुआ, हे माता इन भोगों में हम नहीं पड़ेंगे, हम तो आनंद जीवन जीने के लिए तार मेरा आत्मिक आनंद पान के लिए हुआ है, बहुत प्रयत्न किए लेकिन प्रभु अत्यंत विरक्त थे, आखिर माता पिता को भी और वाली अवस्था में ही 18 लाख वर्ष
युवावस्था थी, कितने वर्ष? 18 वर्ष। चंपापुर की युवराज बन करके चंपापुर में रही और बहत्तर लाख वर्ष की आयु थी भगवान की। 72 लाख कितनी? इतनी आयु होने पर भी भोगों में नहीं पड़े तो ये तो जीव को तो कितने कितने प्रपंच में पड़ जाता है। ये कोई कारण नहीं होता है, पर भगवान महावीर के लिए कारण देते हैं कि वजह कहते हैं भगवान मेरी आयु बहुत थोड़ी है इसलिए मैं, ये कोई कारण नहीं, अंदर से वैराग्य इनकी तो बहुत आयु। इनके पहले के दिशंकर में विवाया देखी, इनके बाद के दिशंकरों का विवाया देखूंगा, लेकिन वे क्या दिशंकरों का ज्ञानियों का भी उदय भाव अंगीकार करने लायक नहीं है, उदय भाव अंगीकार करने लायक नहीं है, उनकी भी अंतर का ज्ञान वैराग्य ही अंगीकार करने लायक। बाद में स्वामी ने 11 तीर्थंकर के विवाह रूप विकल्प को अंगीकार नहीं किया, उनके वैराग्य को अंगीकार, और 18 लाख वर्ष पूरे हो गए थे। आज का ही दिन था सजन दिन का उत्सव, नगरी स्वर्ग समुझे जन्म का दिन आया। इसके भागवत कृष्णा चौदसाई थी, पूरी नगरी सज रही थी और भगवान वैराग्य आ रहे थे। सब देवगण आज भगवान का जन्म कल्याणक, जन्म कल्याणक, जन्म कल्याणक का दिन था ना, तो जन्म दिन मनाने के लिए सब आ रहे, नगरी सज रही थी और भगवान के अंदर में युवराज वत्स पूज्य प्रभु के अंदर में कुछ वैराग्य की भावनाएं जागने लगी और भीतर से वस्तु स्वरूप का विचार करते हुए हूँ तो राग से रहित परमात्म तत्व हूँ, ऐसा भाते 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 वैराग जा गया। क्या होता है जागा चैतन श्रृंगार राग रंग प्रसंग सर्व और का जन्म का उत्सव नगरी स्वर्ग सम दिखती, यह स्वर्ग सज रही थी उसे श्रृंगार राग रंग प्रसन्न सर्व और थे। जन्म के चिंतन में पर नगरी चल रही है, राग रंग के प्रसंग चल रहे हैं और भगवान तो किसके चिंतन मग्न थे, मैं तो चैतन्य हूँ, मैं तो ज्ञाता हूँ, मैं तो आनंदकारी प्रभु हूँ, मैं तो परमात्मा तत्व हूँ, ऐसा अंतर में उसको भा रहे मैं आए भगवान चैतन्य में मग्न थे और आ गई थी वो वेला
और बारह भावना को भाने लगे और वैराग जाग गया। तब क्या होता है, लोकांत के जागाता जाती इस मरण उम्र उमगी विरागी थी, लोकांत के अनमोद से नगरी थी। भगवान को जाति स्मरण हो गया, प्रश्नोत्तर राजा का माम पुत्र का अभिमान देखने लगी। अरे भोग तो बहुत देखे मैंने, गाय की शोभा तो माम स्वर्ग स्वर्ग की शोभा, अरे मनुष्य पर्याय की शोभा तो शिक्षा है, संयम है, निर्गंध दशा है, तीन लोक में अगर शोभामान है तो दिगंबर मुनि महाराज है, सुंदर है तो मुनि महाराज है। जो अंदर देखते हैं, अच्छी ड्रेस कौन सी है बोलो, अच्छी ड्रेस कौन सी है, सुंदर ड्रेस, हाँ दिगंबर वे देखो बदलने नहीं पड़ते, सदा सुंदर रहते हैं, जय सुंदर देखते हैं। मुनिराज सुंदर आत्मा अंदर में निरखते, इसलिए भविष्य को सदा मुनिवर सुंदर है लगते। वस्त्राभूषण का दादा भी जो साथ न रखते, रत्ना त्रय का भूषण धारे मुक्ति रमणी को वरते। मुनिराज सिंह लोक में सुंदर है लगते, ओ मुनिराज तो मुनिराज, मुनिराज को देख करके जिसको आह्लाद ना आए, मुनिराज के चरणारविंद की धूलि जाके मस्तक पर नहीं है, मुनिराज का कहा तत्व जिसके हृदय में नहीं गूंजता है वो तो अवाधा है। नहीं आपके धन्य हो जाती हैं जो मुनि दर्शन पाती है, याद धन्य हो जाते हैं जो मुनिराज के चरणों तक पहुंच जाते हैं, वो हृदय धन्य हो जाता है जिसमें मुनि महाराज है, घर आंगन पावन पावन हो जाते हैं जब मुनिराज आते हैं, तो मेरा हृदय आंगन क्यों पावन नहीं होगा जब मुनिराज विराजे। बुद्ध दास जी ने ये नहीं कहा महाराज जी हमारे घरे आई हो, बुद्ध दास जी ने क्या कहा, श्री गुरु मेरे घर राहो, घर राहो नहीं मन वसो और वासो देवा जननी जिया। अंदर में वैराग आ रहे थे और वैराग भावना जागी है, और उसी समय क्या होता है, अनुमोदना करने वाले आ गए, लोकांत के आ अनुमोद से नगरी जी दे, जाओ जाओ भगवान वसु पूज्य स्वामी की भली बिचारी ना, यही दशा अपनाने लायक है, धन्य प्रभु हमारी दशा का वो लोकांत का आकर के क्या कर रहे थे, अनुमोदना कर रहे थे, आज कोई दिन था अगर लोकांतिक देव आए, लोकांतिक बाल विचारी होते हैं ना, तो हमारे पंच कल्याण को दृष्टों को याद करो, तो बच्चे से दिखाई देते ऊपर से आते हैं, वो तो नाटक है, वो नहीं बात बाकी तो बड़े निशान उनका वो सुंदर शरीर, अकेले वैराग के समय आते अनुमोदना करने और उस समय चले जाते, बड़े विरक्त होते हैं, ये भी नहीं सोचते वहां गए तो पूर्व करके चले जाए, मतलब क्या विरक्तता होती है, एक ही गुरुस्थान वाले इंद्र है उन्हें नाच रहे और ये उसी गुरुस्थान वाले कितने विरक्त जो अनुमोदना करते हैं और चले जाते हैं, होता है भाई होता है। तो लोकांत गाए और अनुमोदना करे, धन्य धन्य, भले काल की अनुमोदना करे वो लोकांतिक जैसा है, कम से कम भैया करा ना सको, कर ना सको तो अनुमोदना तो करो भैया, तुमने बोल सकते हो अरे कहा भैया कहा, सोच लियो बड़े बड़े गिरजा मतलब आज गिरा भी कोशिश करो, गड्ढे में कूदे तो बात कुछ नहीं क्योंकि, लेकिन कोई संयम को धरे नियम को ले, सोच लो भैया, जमाना
हमेशा उत्तम कार्य की अनुमोदना कर। देख लो भैया कहाँ मंदिर कहाँ को आएगा दर्शन को नहीं आएगा। अरे आएगा ही कहा नहीं आएगा तुम बताना तुम्हें नहीं आना वो तो और क्या हो। अरे भैया एक जन भी आया उनको भी जिन दर्शन से नहीं दर्शन हो गया तो मंदिर बनाना सार्थक हो जाए। इधर आ कोई सोचता था यहाँ मंदिर होगा एक साल पहले कल्पना नहीं करता लेकिन इस तरह को पावन होगा तो हम नहीं सोचते थे आपको सोच रहा था या तो नहीं लेकर जाते कभी सोचते भी नहीं ये थे कि आवाज ना ले लेकिन इसको पावन हो रहे थे जिस तरह को पावन हो। अरे भूमि को मंदिर का सौभाग्य नहीं मिलता ऐसी हरे के हृदय में भगवान बस जाए सौभाग्य नहीं मिलता। बेचारा वास्ते मंत्र में भी विकल्प करता रहे अरे कछु नहीं है कछु नहीं है बाबू पुण्य नहीं है। उत्तम कार्यों की हमेशा मन से वचन से काया से धन से द्रव से कैसी भूमिका कछु नहीं कर सको तो अनुमोदना तो कर भैया हो सकते समझ क्योंकि हमारे यहाँ पुण्य तो कृत कार्य तो तीनों से होता है तो लोकांतिकार और अनुमोदना करी और क्या होता है। आओ अंतर मुख मोन के रहे प्रभु देख्या भगवान ने बोले नहीं हम कर्म को कर्मोन अवस्था में कह रहे थे अब तो दीक्षा को धारण करेंगे। आओ भवी प्राणी आओ चित आनंद मानूं कुछ सोच या संकोच नहीं करना इस मां हम भी आनंद से जा रहे हैं जंगल की ओर तुम भी आओ भाई आओ आओ डरो मत ही भगवान बुला रहे हैं हम सब आनंद से आओ उल्लास से आओ वैराग्य के मार्ग में। हाँ नहीं देखो जग की और निज की और तुम देखो मत में क्या बिकताएं सुनो निज हित हित जगत का कह रहा है मत सुनो ये भैया कारक कैसे हो नहीं देखो जग की ओर अपनी ओर जगत की बातों में नहीं अपना हित हित स्वयं विचार करके भगवान के मार्ग में लग जाओ। दुख दुख भी बांटे नहीं मोई जन सुख तो क्या दे सकते सोचो मोहन कैसे से मार्ग दिखा सकते दे दुख नहीं बांट सके तो सुख का दे को वाले भैया बोलो अभी हमारी हालत कौन है वाली बोलो भैया कौन है वाला चलो मन दोस्त होता कहो भैया कब ये कबे समझ नहीं दवा नहीं दे रहे हम तो कह रहे हम दवा नहीं दे रहे हम कह रहे हम निरंतर दवा दे रहे दवा नहीं दे भैया कचू तो ले कचू तुम अरे कचू का हम दे नहीं कह रहे थे आप जो होना है हमें तो भगवान के वचनों पर विश्वास भगवान के वचनों पर विश्वास है। देखो जाता बहुत तीव्र पाप का बंधना है बाय अवक्त दवाओं से फायदा मिलता है। हाँ यह तो लिखा सर्व कचार जी भी आया उसको पापानुवर्ती पुण्य होता है उसको अवक्त दवाओं से फायदा मिलता है उसकी पुष्टि हो जाती है पाप का हो जाएगा तो और पाप दे के जाएगा। इसलिए जब औषधि तो बाह्य निमित्त है भीतर का निमित्त तो कर्म का जिनो कर्म है उसका कारण कर्म है ये बिगड़ा है तो उसका कारण कौन है कर्म है और कर्मों का कारण क्या है आश्रम यानी परिणाम और उसका कारण क्या है क्या देवस्थान हम तो पूरे दिन सोचते रहे कोई कछु हुआ भैया जी नौकरों का कारण कर्म है ये नौकरों का कारण है कछु बिगड़ा हो हमने यही देखते रहे तो स्वाध्याय तो कर ले उसको करा के आए तो सोचते रहे
कछुआ इन्होंने नहीं किया, उन्हें ये नौ कर्म का कारण कर्म है, और कर्म का कारण अपना परिणाम है, अपन नहीं परिणाम बिगाड़े थे भैया कहाँ से आ गए, और परिणाम बिगाड़ने का कारण अपने परिणाम ही को न देखना देवता ने बस होता रहा स्वाध्याय शांति स्वाध्याय तो शांति की कुंजी है, वो एक घंटा का स्वाध्याय पूरे दिन चलना चाहिए और पूरे शाम का स्वाध्याय पूरी रात चलना चाहिए, सपने में चलना चाहिए क्या कह रहा है हाँ पूरे दिन निकट हो पूरा दिन वही वही चले प्रैक्टिकल चलना चाहिए भाई क्या कर जाओ वादी के चले जा रहे तो क्या हुआ जग की अपेक्षा व्यर्थ है, कोई कह रहे कर लियो ये कर लियो ये कर लियो, भगवान कह रहे हो या इनकी अपेक्षाएं कभी पूरी होने वाली, जग की अपेक्षा व्यर्थ है कल्याण अब करो भगवान ने सबको बुलाया है मानो, और फिर चढ़ रत्न माला चल दिए प्रभु नमन में करूं जय बंतो पूज्य प्रभु बड़े अनुसरण, और भगवान के वैराग्य की रत्न माला आई बालकी, और इंद्रों ने बड़े उल्लास के साथ में वन की ओर चल गए, वन का नाम था मंदारगिरी, चंपा पर का स्थान है कौन सा शिक्षा स्थान, वही जीवन ज्ञान का स्थान है, और वही मोक्ष का स्थान है, जन में दीनी दनी दनी देखा कांदिरे भगवान ने वस्त्राभूषण फेंके, अनेक भव्य जीव साथ में दीक्षित हो गए, और दीक्षा का दिन ही काय का दिन बन गया, वैराग्य का दिवस बन गया, और दीक्षा लेते ही तीन ज्ञान तो पहले से थे, चौथा ज्ञान प्रकट हो गया, उसका नाम था मन परिणाम, प्रगति अनेक रेतिया उपवास दो दिन का, अनुकृतियां प्रकट हुई, और कितने दिवस का उपवास किया, दो दिन का उपवास किया, और भगवान चैतन्य में खड़े अब निकले हुए सुंदर राजा के भाग को सुंदर बनाने के लिए, आहार के लिए केवल ज्ञान और मोक्ष और ग्रंथ प्रेरणा, ये अपन तृतीय दिवस के में अपन बांटेंगे, आज शिक्षा दिवस था, जन्म शिक्षा की बात न हुई, भगवान की शिक्षा दिवस से हम शिक्षा ने वे वस्त्र फेंक रहे हैं, हम वस्त्र पहनना सीख जाए, वे चलना बंद कर रहे हैं, हम कम से कम चलना ही सीख जाए, वे बोलना बंद किया, हम बोलना ही सीख जाए, विनय हार का त्याग किया, हम योगा करना सीख जाए, बस इतना भगवान के जीवन से दीक्षा दिवस से हम शिक्षा लें और भगवान के मार्ग में बढ़े। कल आगे का विषय खेड़ाला जी के साथ में कल अपन जो विषय बचाया उसकी बात, पूज्य भगवान की।